गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब खुश होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, संडे का दिन है और सुबह का टाइम है और आप भी इंजॉय कर रहे होंगे संडे में। संडे में अधिकतर ऐसा होता है कि सभी के घर में ब्रेकफास्ट में कुछ नया बनता है, क्योंकि सभी की छुट्टी होती है और सभी सोचते हैं कि चलो आज तो छुट्टी है और आराम से बनाएंगे अपना जो ब्रेकफास्ट है, कुछ अच्छा सा बनाएंगे। तो आज मैं भी कुछ मतलब अलग सा बना रही हूँ और आपको आइडिया लग ही गया होगा देख करके कि मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो जैसे बच्चों के डैडी आए हुए हैं और आज छुट्टी भी है बच्चों की, तो बस मैं आलू के पराठे बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चों के डैडी जो है ना वहाँ पे इस तरह की चीज़ें खा नहीं पाते हैं और बाहर खा ले तो उनको सूट नहीं आता है। तो बस, और जैसे रूम पे बनाते हैं ना तो वही जल्दीबाजी रहती है उनको भी, ऑफिस जाते हैं सुबह के टाइम में और शाम को फिर वही थके हारे आते हैं। तो बस उनके लिए मैं बना रही हूँ, आज सभी के लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। और अभी मैंने बातों बातों में स्टफिंग तो तैयार कर दी है और अभी मैं इसको ठंडा होने के लिए ना प्लेट में निकाल के रख देती हूँ और ठंडा जब तक ये हो जाएगी जब तक मैं आटा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आटा तैयार हो गया है और अभी जो हमारी स्टफिंग है ना हल्की सी गर्म है, तो बस अभी सबसे पहले चलकर आदि को उठाते हैं। चलो बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, बोलो सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो सबको बोलो राधे राधे। आज क्या हो गया, मुंह में दही जमा रखी है क्या? दिखाओ कितनी सारी जम गई है, दही भी नहीं है। राधे राधे क्यों नहीं बोल रहे हो? फिर बोलो राधे राधे। तो यहाँ पे देखिए आदि को मैंने उठा दिया है और अभी वो बहुत फ्रेश फ्रेश फील कर रहा है, खेलने लगा है। और यहाँ पे ना अभी थोड़ा सा टाइम था नाश्ते में, तो अभी हमने चाय भी पी थी 8 बजे के करीब और अभी लगभग 8:30 बजे हैं, तो 9 बजे बनाऊंगी मैं नाश्ता। और इसीलिए बस थोड़ा सा टाइम था तो मैंने ये अलमीरा आज खाली कर दिया। और इसको ना खाली करने का मैं पिछले कई दिन से सोच रही हूँ, लेकिन जो सुबह की भागदौड़ होती है और थोड़ा सा आलस भी बोल लीजिए, तो उसी वजह से मैं इसको कर नहीं पाई। और आज संडे का दिन है तो संडे में तो वैसे भी हमारा जो शेड्यूल होता है पूरा बिजी रहता है, पूरा दिन हम अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिलता है बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे भी घर पे रहते हैं और इनके डैडी भी आ जाते हैं, तो वही है कि एक्स्ट्रा काम भी होते हैं जो बहुत वो निकल के आ जाते हैं। तो बस मैंने यही सोचा था कि संडे में वैसे तो मतलब फ्री रहते ही नहीं है, तो चलो ये जो काम है ये भी संडे में ही कर लेंगे। तो अभी ये जो सारे कपड़े थे ये मैं छत पे लेके आ गई हूँ इसमें से, और मैंने एक एक कपड़े को अलग अलग करके रख दिया है ताकि अच्छे से धूप इनको लग जाए, और धूप भी आज बहुत अच्छी निकल रही है। तो ये जो अलमीरा थी ये भी आदि के बच्चों के डैडी लेके आ गए हैं ऊपर, और इसको भी मैं बहुत अच्छे से मतलब ओपन करके और अच्छे से खोल के रख दूँगी ताकि इसमें भी अच्छे से धूप लग जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और जैसे सर्दियाँ ख़त्म हुई थी ना तभी मैंने इन कपड़े रख दिए थे अलमारी में उठा के, और अभी थोड़े दिन बाद इनका पहनने का टाइम भी आ गया है तो इनको मैं एक बार से धूप लगा दूँगी। और अक्टूबर नवंबर के पहने जाने वाले कपड़े हैं जैसे जीन्स वगैरह होती है, तो गर्मियों में तो नहीं पहनते हैं, इसीलिए अभी थोड़े दिन बाद इनका मौसम आने वाला है और मैंने इनको धूप लगाने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी नीचे, तो आज मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज कर दी है और उसको मैंने कपड़े तो मैंने धुल लिए थे सुबह ही, हाथ से धुल लिए थे हाँ, क्योंकि थोड़े ही कपड़े थे, और जो बेडशीट थी इसको मैंने मशीन में डाल दिया है, उसको कल धुल लेंगे। और मैं हमारा आज इतना आलस में आ रहा है, संडे का दिन है, मुझे रात ही कह के लेट गया था कि मम्मा कल संडे है और कल मुझे 10 बजे से पहले नहीं उठाना, तो इनके डैडी ने इसको उठा दिया था और यहाँ पे आके लेट गया है फिर से। तो आलस है, पर संडे का दिन है तो आलस तो आता ही है, सभी को आता है और हम भी संडे में थोड़ा सा लेट ही उठते हैं। तो बस बातें तो बहुत हो गई हैं और अभी यहाँ पे जो काम था हमारा एक्स्ट्रा वो मैंने कर दिया है और अभी मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है दूध सभी के लिए, तो अभी दूध भी गर्म करने लग रही हूँ और मैं बनाने लग रही हूँ आलू के पराठे। तो आप सभी के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरी मम्मी है ना वो आलू के पराठे इतने अच्छे बनाती है और मुझे मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मम्मी जैसे जब मैं जाती हूँ ना तो बस हर तीसरे चौथे दिन यही कहती रहती है कि अब आलू के पराठे बना दूँ तो लेकिन खाए भी नहीं जाते हैं जल्दी जल्दी, तो लेकिन जब बनाती है ना मम्मी बहुत मज़ा आता है खाने में, और टेस्ट में एक मैं फालतू ही खा लेती हूँ, और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो तो जल्दी जल्दी बनवाता रहता है मम्मी से और यही कहता है मम्मा आप बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं। बस यहाँ पे देखिए मैंने भी पराठे बना दिए हैं,
मतलब इतने अच्छे तो नहीं बनाती हूँ अपनी मम्मी जैसे, लेकिन ठीक ठाक ही बना लेती हूँ जिससे कि सभी का पेट भर जाए। और यहाँ पे देखिए नाश्ता मेरा बन गया है और सभी बच्चों के डैडी और बच्चे करने लग रहे हैं, पापा जी अभी नहा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पे अभी सबने नाश्ता कर लिया है, मम्मी ने, पापा जी ने, मैंने, हम सब ने कर लिया है। और अभी बस मैं पूरी किचन की कर रही हूँ सफाई, बर्तन वर्तन सब साफ कर दिए हैं और अभी बस गैस करने लग रही हूँ साफ। और इधर मम्मी कर रही है दोपहर के खाने की तैयारी, तो दोपहर में बस आज लौकी बनाएंगे। खा पी के सोने को ही बोला था क्या? दोनों के दोनों सो गए, ज्यादा खा लिया, ज्यादा हैवी हो गया क्या हैं? चलो चुपचाप नहा लो अब जाके। हूँ क्या, संडे में यही होता है क्या? खाओ पियो और सो जाओ बस। अभी डैडी को बुला रही है, अभी देखना कैसे भागोगे उठ के यहाँ से दोनों के दोनों। चलो उठो जल्दी। क्या कह रहे हो? ठीक है अभी आ जाएगी डैडी। आदि के डैडी, आदि के डैडी, ये देखो कैसे लेट मार लेट लगा रहे हैं। अब क्यों उठे हो? डंडा तो बढ़िया है डैडी को। चलो मैं सो रहा हूँ। अब ये सो गए, लौकी भी गिरा दी। ये तो उल्टा पड़ गया पास भाई, आप इन्हें उठाने आए थे या ऐसे सोने आए थे? दोनों बच्चे भी नहा लिए हैं, झाड़ू पोछा मतलब सब हो गया है, जो सुबह का काम होता है वो सारा हमारा हो गया है। और अभी बस छत पे कपड़े उतारने के लिए आई थी क्योंकि ये भी सुबह के डले हुए थे, सारे सूख गए थे। और ये पापा जी के कपड़े हल्के से गीले थे, ये मैंने इधर धूप में डाल दिए। तो ये जो कपड़े हैं इनको भी मैं एक बार पलट दूंगी। वेरी गुड, अभी ई फॉर एलिफेंट बनाओ। पहले वन बनाओ, फिर थ्री लाइंस बनाओ। वन टू, बीच वाले डॉट से बनाओ, बीच वाले डॉट से। थ्री, ई फॉर एलिफेंट। और यहाँ आदि कर रहा है पढ़ाई, तो मुझे बोल रहा था कि मम्मा मुझे बोर्ड पे बनाना है, ए फॉर एप्पल बनाना है, बी फॉर बॉल बनाना है। और मैंने इसको बोर्ड पे ऊपर लिख के दे दिए हैं और नीचे दे दिए हैं डॉट्स, तो अभी डॉट से ही सिखा रहे हैं उसको बनाना। वैसे तो कुछ लेटर्स ऐसे भी हैं कि बिना डॉट के बना लेता है लेकिन गड़बड़ बन जाते हैं, और जो लेटर्स गड़बड़ बन जाते हैं ना उसको पता चल जाता है थोड़ा सा, वो इरेज भी कर लेता है। तो अभी यहाँ पे मैं आदि करने लग रहा है ड्राइंग रूम में, अपने लेटर्स बनाने लग रहा है। और मैं आ गई हूँ अमय के पास क्योंकि अमय के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं और मैं उससे जो उसके सिलेबस है, बस कभी कोई सा सब्जेक्ट उठा लेती हूँ, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लेती हूँ और मैं उससे सुनना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब बीच बीच में से कहीं से भी सुन लेती हूँ, ये नहीं कि फर्स्ट चैप्टर से सुनना है हर सब्जेक्ट का, बीच में से किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन मैं उससे सुन लेती हूँ ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि उसकी प्रिपरेशन कैसी है। तो अभी बस मैं वही सुन रही हूँ और लगभग उसकी मतलब ठीक ठाक सी है, जो नई है वो मैं उसको बोल रही हूँ कि मतलब अच्छे से तैयार कर लेना। और बस अभी यहाँ पे दोपहर का खाना भी हमारा हो गया है, सबने खा लिया है और मैं ही रह गई थी, तो मैं भी अपना खाने लग रही हूँ। और खाना खाने के बाद हमारा जो मेन काम था वो रह गया है, उसी की मुझे मतलब एक चिंता सी हो रही थी कि अभी वो भी करना है, वो भी करना है। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े जो हैं और अलमीरा वगैरह सब नीचे ले आए थे हम उतार के। और पहले तो मैंने इनको ऊपर ही ना खाना बनाने से पहले मैंने ऊपर ही रख दिए थे इनको, फ़ैन चला के ऊपर का, और हवा लग गई थी इनमें क्योंकि जैसे गर्म कपड़े रखते हैं तो उनके अंदर गर्मी सी बन जाती है, पसीने से आ जाते हैं और फिर वो चिपक सी जाते हैं। तो अभी मैंने इनको ना थोड़ी देर हवा में रख दिया था और फिर मैं खाना खाने के बाद इनको लेके आ गई हूँ नीचे, और एक एक कपड़े को ऐसे रख दूंगी जैसे कि मैंने उठाए थे, मतलब जहाँ जहाँ से उठाए थे ऐसे इनको तह बना के वहीं वहीं पे मैंने रख दिया है। तो अमय को देखिए हमारे क्या कर रहा है, वो अपने डैडी की टी शर्ट पहन के खड़ा हो गया और बोल रहा है मम्मा ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैं इसको अगले साल पहना करूँगा, अभी थोड़ी सी लूज आ रही है। तो ये टी शर्ट पता नहीं इनकी कैसी निकल गई थी, तो जैसे इसको धोते थे ना जितनी बार भी इसको धोते थे उतनी बार ही इसका जो कपड़ा है मतलब ये छोटी होती जा रही थी। और अभी उधर ये पहन के उसी कोई बड़ी मम्मा पापा जी को दिखाने के लिए चला गया है और बोल रहा था वहाँ पे भी
आपकी बड़ी मम्मा, मैं इसको अगले साल पहना करूँगा। तो बस समय तो लग रहा है अपनी मस्ती में। और देखिए आदि हमारा खाना खाते ही सो जाता है, इस मामले में तो बहुत अच्छा है हमारा आदि, दोपहर का खाना खाते ही सो जाता है। तो अभी बस बच्चों के डैडी भी ऊपर लगे हुए हैं अपने काम में, और मेरा भी काम लगभग हो गया है, और 3 बज गए हैं इसी काम में। तो अभी बस मैं ये जो काम है इसको करके फिर जो अपनी थोड़ी बहुत एडिटिंग है वही करूँगी। और अलमारी देखिए पूरी सेट हो गई है, और अभी मैं ना इसको अमे की हेल्प से अंदर रखवाऊँगी, क्योंकि इसमें कपड़े रखे गए हैं, और जैसे इसको इतनी भारी तो नहीं है, लेकिन जब अकेले रखते हैं ना तो इसके जो पाइप है वो निकल जाते हैं। तो अभी बस मैं इसको अमे की हेल्प से अंदर रखवा लूँगी। और बस आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अगर अब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बस कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय।